जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे CSD प्राइस के बारे में। सीधी भाषा में बोलूँ तो कैंटीन के जो प्राइस होते हैं आर्मी कैंटीन के, उनके बारे में बात करेंगे। मार्च महीने के जो प्राइस होते हैं, तो बने रहिए मेरी वीडियो में, सारी बात बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, कैंटीन के जो प्राइस होते हैं, CSD प्राइस को बोलते हैं हम, जो आर्मी कैंटीन होती हैं उनके प्राइस में, और नॉर्मली अगर आप ख़रीदते हैं, अगर आप सिविल प्राइस देखें जो हर एक व्यक्ति के लिए होते हैं, रॉयल इनफील्ड की बाइकों में कितना फ़र्क है दोनों के। ऑन रोड प्राइस बताऊंगा आपको, मार्च के महीने के जो लेटेस्ट प्राइस हैं अभी उसके बारे में बात करूंगा। जिन लोगों को नहीं पता CSD क्या होता है, कैंटीन प्राइस क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, जो लोग आर्मी में जॉब करते हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ छूट देती है विशेष टैक्सेस में। जो टैक्स लगता है हमारी बाइकों के ऊपर, उसमें कुछ छूट दी जाती है, तो उसकी वजह से जो प्राइस है काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और मैंने कुछ जो हमारी मेन जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं, बुलेट और क्लासिक, इनके बारे में मैंने एक डिटेल बना ली है। तो टोटल कितना डिफरेंस बैठता है अगर आप नॉर्मली ख़रीदते हैं और CSD से, कैंटीन से अगर ख़रीदते हैं बाइक को, तो कितना फ़र्क आता है। और ये ज़रूरी इसलिए है, देखिए अगर आप आपका कोई रिश्तेदार अगर आर्मी में है, या आपका कोई भाई, आपके पापा हैं, आपके चाचा हैं, कोई भी, मतलब कोई भी रिलेशन अगर आपका कहीं से भी मैच खाता है इस चीज़ को लेके, तो आप फिर कैंटीन से अपनी रॉयल एनफील्ड की पसंदीदा बाइक निकलवा सकते हैं, और प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। तो इसलिए मैं आपको लेटेस्ट प्राइस बता रहा हूँ ऑन रोड। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी देसी दबंग बुलेट 350, स्टैंडर्ड 350 इसको आप कहते हो, असली बुलेट उसको मैं बोलता हूँ। और इसकी पहले मैं एक आपको डिटेल देता हूँ छोटी सी प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से प्राइस है। हमारी जो नॉर्मल अगर हम ख़रीदने जाते हैं कोई भी बाइक, तो उस पर 28% का टैक्स होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन जो CSD प्राइस होते हैं उन पर इतना टैक्स नहीं होता, टैक्सेस बहुत कम होते हैं उन पर। अब मैं आपको बताता हूँ बुलेट 350 की एक्सशोरूम कीमत क्या है आज की तारीख में बताऊँगा, और मैं पूरा आपको ऑन रोड कीमत बताऊँगा किस किस तरीके से बैठती है इसकी। तो 136,520 रुपये, 1,36,520 रुपीज़ एक्सशोरूम कीमत है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 EFI की। इसमें RTO रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस तीनों चीज़ें मिला के बिना किसी एसेसरीज के ये बाइक आपको पड़ती है 1,60,000 रुपीज़ की, 1,60,000 रुपये की लगभग। ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के बता रहा हूँ, आपके राज्य के हिसाब से इसमें फ़र्क हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब हम CSD की तरफ जाते हैं, जब हम कैंटीन के प्राइस की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जो प्राइस होते हैं एक्स शोरूम, यहाँ पर 1,36,520 रुपीज़ ना होकर 1,11,946 रुपीज़ हो जाती है, 1,11,946 रुपये। और जो कीमत पड़ती है इसकी ऑन रोड जाके, वो पड़ती है 1,32,446 रुपये, 1,32,446 रुपीज़। तो जो कीमत में फ़र्क आ जाता है वो आ जाता है लगभग 28,000 रुपये का, 28,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है CSD प्राइस में और सिविल प्राइस में। नॉर्मली आप ख़रीदेंगे तब और कैंटीन से लेंगे तब, तो इस तरह से 28,000 रुपये कम पड़ती है कैंटीन से। दूसरी जो बाइक है दोस्तों वो है बुलेट 350 सेल्फ स्टार्ट, जिसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं या ESX बोल सकते हैं। तो इसकी जो एक्सशोरूम कीमत है 1,46,152 रुपये, 1,46,152, और ऑन रोड कीमत इसकी पड़ती है 1,72,000 रुपीज़ की बिना किसी एसेसरीज के। लेकिन वहीं CSD अगर आप कैंटीन से लेते हैं तो वहाँ आपको ऑन रोड पड़ती है लगभग 1,41,000 रुपीज़ की ऑन रोड। तो इसमें जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है लगभग 31,000 रुपये का, 31,000 रुपीज़ का डिफरेंस में आ जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा रॉयल एनफील्ड की बिकने वाली बाइक के बारे में, वो है हमारी क्लासिक 350। नॉर्मली अगर आप सिविल किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से कहीं से भी ख़रीदते हैं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सिंगल चैनल ABS, तो आपको ऑन रोड पड़ती है 1,96,000 रुपये की, 1,96,000 रुपीज़ की। लेकिन वहीं अगर आप CSD से इसको निकलवाते हैं तो ये पड़ती है आपको 1,62,000 रुपीज़ की, 1,62,000 रुपये की। ऐसे ही दोस्तों जो एक बहुत पसंदीदा बाइक है वो है क्लासिक स्टेल्थ ब्लैक, ये आपको ऑन रोड पड़ती है नॉर्मली 2,26,000 रुपये की। लेकिन
कैंटीन से ये आपको पड़ती है 185,000 रुपये की, 1,85,000 रुपीज़ की, और इसमें जो टोटल फ़र्क आ जाता है वो आ जाता है 41,000 रुपीज़ का। तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, टैक्सेस कम करने की वजह से डिफरेंस आ जाते हैं। तो अगर आपका कोई अपना कोई जानकार, अपना कोई रिलेशन में आपके कोई बंदा है, आपका कोई भी रिलेशन में कोई भी आदमी ऐसा है जो आर्मी में है, तो आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो बस दोस्तों इतनी सी ही थी, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये जो मैंने आपको प्राइस बताई हैं लेटेस्ट मार्च की प्राइस हैं। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है अनुराग्स व्लॉग्स करके, वो भी आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।